अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स चैप्टर 11, जिसका नाम है इकोसिस्टम। उसके हम तमाम इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए बुक की रीडिंग करना थोड़ा ख्वारी और बोरियत का काम होता है। इसीलिए मैंने इस सबसे जो बोरियत वाला चैप्टर मुझे लगता है वो इकोसिस्टम लगता है। इसमें जितने इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको एग्जामिनर आपका जो है वो फॉर एमसीक्यूज़ के लिए कंसिडर करता है, जितनी टर्मिनोलॉजी जिससे एमसीक्यूज़ बनाता है, वो मैंने तमाम पास पेपर रीड आउट करके कुछ निकाले हैं। वो मैं आज आप लोगों को समझा भी दूंगी और राइट डाउन करवा दूंगी। आप लोगों ने ये वीडियो को जस्ट एज अ रीडिंग के तौर पर देखना है पूरी, और इस चीज़ को समझ लेना है ताकि इन टर्मिनोलॉजी से अगर रिलेटेड कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप उसको सही पिक कर सको। ठीक है, इकोसिस्टम में सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास चैप्टर खोलते ही आती है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, एबायोटिक, ओके, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम यानी हमारी ये दुनिया का जो एक कानून है वो एक इस सिस्टम कहलाता है। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब वो तमाम चीजों की इस एमसीक्यूज में बात की जाएगी जो कि नॉन लिविंग है। ठीक है, वो कंपोनेंट्स, वो तमाम चीजें जो कि नॉन लिविंग है हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, समझो। अच्छा, इसके आगे लगा हुआ है ए और बायोटिक। बायोटिक मतलब कोई चीज़ जो कि लिविंग को शो कर रही है, और इसके आगे लगा हुआ है ए, दैट मीन्स लिविंग को शो नहीं करना है, दैट मीन्स नॉन लिविंग की बात करनी है। तो अगर आपके पास एमसीक्यू आता है ए बायोटिक कंपोनेंट का, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर नॉन लिविंग का ही जिक्र हो रहा है। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है ऑटिकोलॉजी। ऑटिकोलॉजी क्या है? ये एक स्टडी है। किसकी भाई? इट इज़ ए स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ, भाई किसकी पॉपुलेशन की स्टडी ऑटिकोलॉजी कहलाती है? स्पीशीज। ठीक है, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड ऑटिकोलॉजी। अगर आपके पास ऑटिकोलॉजी लिखा हुआ आ जाए तो आपने समझ जाना है कि दिस इज द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। ओके ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या चीज होती है? बायोस्फीयर, बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, लाइफ जो है वो हमारी टेरेस्ट्रियल यानी जमीन की जिंदगी प्लस एक्वेटिक यानी अर्थ के ऊपर जो जिंदगी मौजूद है और अर्थ के अंदर पानी के अंदर जो जिंदगी मौजूद है, इन दोनों को अगर हमने कलेक्टिवली पढ़ेंगे ये चीज़ हमारी कहलाती है बायोस्फीयर। अगर आपके पास एमसीक्यू बायोस्फीयर के नाम से आता है या फिर इकोस्फीयर, इसका अनदर नेम है इकोस्फीयर। ठीक है, अगर बायोस्फीयर हो या इकोस्फीयर हो, इसका मतलब होता है टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है आपस में लिंक टुगेदर एंड दे आर जो है कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट जॉइंट इकोसिस्टम। इस चीज़ को हम कहते हैं बायोस्फीयर और इकोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट वो वाली तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, वो सारी चीज़ें बायो कंपोनेंट में आएंगी। क्लियर? कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर एरिया जिसमें मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन रह रही हो। ठीक है, मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन और ऑल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया, इस चीज़ को कहते हैं हम कम्युनिटी। ओके जी, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या चीज़ है हमारी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ईच अदर एंड विद योर एनवायरमेंट। ठीक है, क्या चीज़ मैंने कही? मैंने कहा कि एक रिलेशनशिप जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में, यानी जमीन का पानी वालों से, पानी का जमीन वालों से, विद देयर एनवायरनमेंट, उसके एनवायरनमेंट को स्टडी करते हुए पढ़ना जो है वो कहलाता है इकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो मुश्किल टर्म है वो है इकोसिस्टम, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। वो मैं यहीं पर डिस्कस कर देती हूँ कि इकोसिस्टम क्या चीज़ है। द इंटरेक्शन बिटवीन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट हमारे पास अगर कोई है, उसका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कम्युनिटी कह लो कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन अगर मौजूद है एट अ पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है, ये चीज़ हमारी कहलाती है इकोसिस्टम। हम डिफरेंट टाइप के ही ऑर्गेनिज्म है ना, एनिमल्स अलग हैं, हम अलग हैं, फिश वाले अलग हैं, ठीक है, इसी तरह से हर किस्म की जो है अल्लाह ताला ने ग्रुपिंग की हुई है। ये तमाम लोग एक ही कम्युनिटी में रहते हैं, यानी एक ही पर्टिकुलर स्पेस में रहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं हम इकोसिस्टम। ओके फ्रेंड्स, अच्छा जी, प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर हमारे पास पेपर में आ जाता है एडैफिक फैक्टर, एडैफिक फैक्टर क्या होता है? EDAPHIC, एडैफिक फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स की बातें की जा रही हैं? तो मेरे भाई बहनों, एडैफिक फैक्टर्स याद रखना कि यहाँ पर बात की जा रही है कंडीशन और कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल की हालत और किस किस्म की कंपोजिशन से वो कंपोज हुआ है, इस चीज़ को हम कहते हैं एडैफिक फैक्टर। ठीक है, मैंने आगे सॉइल लिख दिया ताकि याद रहे, कंडीशन और कंपोजिशन किसकी भाई? सॉइल की। ठीक है, क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि भाई किसी चीज़ की सॉइल की कंपोजिशन और सॉइल की जो कंडीशन है, इस चीज़ को हम, ऐसे फैक्टर्स को हम कहते हैं जो इससे रिलेटेड कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एडैफिक फैक्टर। ठीक है, इस ट्री, इस ट्रीज क्या चीज़ होती है?
ठीक है, स्ट्रीट्स आर द प्लेस, एक ऐसी जगह, ठीक है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर रिवर जो है वो आपस में मिल रहा हो किससे, सी से, जब भी दरिया समंदर से मिलता है वो चीज़ कहलाती है स्ट्रीट्स बायोलॉजी में. ओके, हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, जब एक किस्म के लोग, जब कोई एक टाइप के लोग एक जो है वो एनवायरनमेंट में रहते हों, एक टाइप के लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हों, उस चीज़ को कहते हैं हैबिटेट. इट्स अ टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर ऑर्गेनिक एक टाइप के लोग रहते हों, जैसे कि अगर पंजाबीज़ हैं तो वो पंजाबीज़ एक अपने हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है, सिंधी हैं तो सिंधी अपने हैबिटेट में रहते हैं, वो अपने एक पर्टिकुलर जो है वो इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट से पहचाने जाते हैं, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं ये मेरा हैबिटेट है, ठीक है, ये हैबिटेट है. हेलियोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, ओप्स, हेलियोफाइट्स क्या होते हैं, ये वो प्लांट हैं जो रिक्वायर करते हैं लाइट्स, लाइट्स के बगैर गुजारा निश्ता. ओके, उसके बाद आते हैं ह्यूमस, ह्यूमस क्या चीज़ है, अगर हमारे पास आ जाता है टर्म ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब है जितना भी डिकम्पोज वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जितना भी डिकम्पोज वेस्ट मटेरियल है वो हमारा ह्यूमस कहलाता है. ओके, लिटर, बायोलॉजी में लिटर के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, इस वक्त इकोसिस्टम में जब हम लिटर की बात करेंगे, इकोसिस्टम के एमसीक्यूज में, तो लिटर का हमारे पास मतलब होता है कि डिकम्पोज और पर्टिकुलर डिकम्पोज मटेरियल की जब बात की जाए, ठीक है, वो चीज़ हमारा लिटर कहलाती है, समझो कचरा, जितना भी कचरा है वो हमारा लिटर कहला रहा है इसमें. ओके फ्रेंड्स, ये लास्ट लास्ट के पार्ट हैं, ठीक है, पीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस क्या चीज़ है, पीडो मतलब सॉइल यानी ज़मीन, ठीक है, जब भी हम सॉइल के बनने का अमल पढ़ेंगे, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, वो चीज़ हमारी कहलाएगी पीडोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, सॉइल के बनने के अमल को पीडोजेनेसिस कहेंगे. इसके बाद पीडोलॉजी आती है, पीडोलॉजी क्या चीज़ है, पीडोलॉजी क्या चीज़ है हमारे पास, स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है, जब हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम जमीन मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे उस चीज़ को कहते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल को कहते हैं पीडोलॉजी. पीडोजेनेसिस क्या चीज़ है, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. पीडोजेनेसिस क्या चीज़ है, पीडोजेनेसिस क्या चीज़ है भाई, के जनरेशन ऑफ सॉइल, क्रिएशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. और पीडोलॉजी क्या चीज़ है, स्टडी ऑफ सॉइल. इसी तरह पॉपुलेशन क्या चीज़ है, तीन बात याद रखना, सेम टाइम पर, ठीक है, सेम जगह हो और सेम किस्म के इंडिविजुअल उस जगह पर रहते हों, उस चीज़ को पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है, सेम टाइम पर, सेम पर्टिकुलर प्लेस पर, सेम काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रह रही हैं, इस चीज़ को, इस ग्रुप को हम कहते हैं पॉपुलेशन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है साइओफाइट्स. साइओफाइट्स क्या होते हैं, ये वो प्लांट होते हैं जो कि क्या चाहते हैं, नाम है साइओफाइट्स यानी साया, ऐसे प्लांट जिनको साया चाहिए, जिनको शेड्स चाहिए सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, उसको हम कहते हैं साइओफाइट्स. ठीक है, साइनकोलॉजी, साइनकोलॉजी क्या है, इट इज़ ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप. किसका रिलेशनशिप, एक कम्युनिटी का उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, यानी एक कम्युनिटी में एक जैसे लोग रह रहे हैं एक जगह पर, ठीक है, लेकिन उसके एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट का क्या असर, क्या रिलेशनशिप उन पर पड़ती है, ऐसी चीज़ को साइनकोलॉजी कहते हैं. ठीक है, टोपोग्राफी क्या चीज़ है, टोपोग्राफी अगर हम स्टडी करते हैं सॉइल के टेक्स्चर को, कि भाई इसका टेक्स्चर कैसा है, उस चीज़ को, किसके, सॉइल के, हम कहते हैं टोपोग्राफी. ये कुछ बड़े ही बोरियत वाले टॉपिक और इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन के साथ आपकी बुक में मौजूद है, जो कि मैंने कोशिश करी आपको दो वर्ड में इजीली बता सकूं, ऑफ द, इफ द, इज द, एंड द हटाकर, जो मेन बात है बस वो बता सकूं, ताकि अगर इसके एग्जाम में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो आप इसे छोड़ें ना. टोपोग्राफी अगर लिखी हुई आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ है, लेकिन आपने बीटा ब्रेन पर पढ़ा हुआ है कि टेक्सचर ऑफ सॉइल की बात हो तो टोपोग्राफी होती है, तो आपने उधर कुछ ना कुछ तो लिख ही देना, उसके कुछ ना कुछ तो नंबर आपको मिल ही जाएंगे. ठीक है जी, अगर अच्छी लगी वीडियो तो मुझे नीचे लिखना कि दूसरे चैप्टर के भी मैं बता सकूं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी. ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़.